रगों का खून आंखों में उतर आया है, रगों का खून आंखों में उतर आया है, इरादों में अपने आज फौलाद को मैंने पाया है। बढ़ चले हैं कदम आज कांटों भरी राहों पर, बढ़ चले हैं कदम आज कांटों भरी राहों पर, तपती दोपहरी में भी सबकी दुआओं का साया है। सही कहा है दोस्तों, इरादे ऐसे होने चाहिए कि आंखों से खून निकल आए। सपने वो होने चाहिए जो हमें रात दिन जागने पे मजबूर कर दें। आखिर जब मैंने सोचा है, मैंने इरादा किया है, मुझे वो पाना है, मुझे वो हासिल करना है, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक कैसे सकती है? कोई ऐसा कौन होता है जो मुझे रोक के दिखाए? ये इरादे, ये ताकत, ये बुलंदी आपको किसी और मंजिल पे लेके जाती है, किसी और दुनिया में लेके जाती है। जब आप अकेले हों, जब सब आपका विरोध कर रहे हों, तब यही इरादे आपको जीतने के लिए मजबूर करते हैं। तो आज से याद रखना, सपने वो ही देखना जिसमें तुम्हारी आंखों से वो लहू उतर आए, और अपनी भुजाओं में दम तभी रखना जब वो फौलादी हो जाएं, तुम्हारे इरादों को कोई चूर ना कर सके, उसको कोई तोड़ ना सके। जब ये इरादे इतने मजबूत हो जाएंगे तो तुम्हारे कदमों में एक आत्मविश्वास होगा, वो आत्मविश्वास जो तुम्हें जीतने के लिए मजबूर करेगा, वो इरादे जो तुम्हें अंधेरों में भी आगे लेकर जाएंगे। और मैं जानता हूँ कि तुम जीतने के लिए बने हो, मैं जानता हूँ कि तुमने सपना देखा है तो तुम उसे हासिल करोगे, बशर्ते एक ही देरी है और वो है खुद में विश्वास करने की। विश्वास करो कि तुम अद्वितीय हो, विश्वास करो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, विश्वास करो कि सपने तुम्हारे हैं तो तुम उसे हासिल करके रहोगे। तो आज से रुकना नहीं, आज से झुकना नहीं। दुनिया में तुम्हारी जो तकदीर है वो केवल तुम ही लिख सकते हो, और अपने भविष्य के निर्माता खुद बनो, और फिर देखो कि दुनिया कैसे तुम्हारे पीछे चलने को तैयार होती है। तो इरादे इकट्ठा करते हैं, उन्हें हौसलों को मजबूत करते हैं, और बढ़ चलते हैं उस जिंदगी में जहाँ पर हमें अपनी चीजों को हासिल करना है।